गुड आफ्टरनून बच्चों, कल हमने 1.2 का ट्रिग्नोमेट्री का ये किया था। आज हम पुनः एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उसी क्रम में देखो, हम पुनः चलते हैं जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि एबीसी एक समकोणी त्रिभुज है, ये पी, ये बी और ये एच। तो हम लोग ये साइन ए निकाले थे पी बाई एच, बी सी बाय ए सी, कॉस ए बी बाई एच, ए बी बाई ए सी, टेन ए पी बाई बी, बी सी बाई ए बी। ये तीन सीधा अनुपात था और तीन ठीक इसका उल्टा अनुपात, कॉट ए बी बाई बी सी, सेक ए सी बाई ए बी और कॉसे के साइन का ए सी बाई। अब एक सिचुएशन दिया हुआ है कि एबीसी एक समकोणी त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री का हो गया, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब कोण ए और कोण सी जो है दोनों का योगफल कितना होगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 होता है, तो ये 90 का है तो बाकी दो कोण का योगफल 90 का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ई। अब हमको करना क्या है, अब हमको ये हो गया ए और ये हो गया 90 डिग्री माइनस ई, ये सी क्या हो गया 90 डिग्री माइनस ए। अब हमको निकालना है साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो जैसे इसमें उसमें निकाले थे उसी तरह। यहां बेस क्या है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन में क्या था, नियम वही है पी बाई एच, इसका पी क्या है, इसका पी है ए बी और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण क्या है एसी। अब इस चार्ट में देखिए ए बी बाई एसी कौन है, इस चार्ट में ए बी बाई एसी है कॉस ए, ए बी बाई एसी कॉस ए, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, क्या है साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बी बाई एस बी सी बाई ए सी। ये होता कैसा है इसलिए हम दिखा रहे हैं ये। अब ये बी सी बाई ए सी क्या है, यहां देखिए साइन है, टेन 90 डिग्री माइनस ए पी बाई बी ए बी बाई बी सी, यहां ए बी बाई बी सी कहां है, देखिए तो ए बी बाई बी सी यहां पर है कॉट ए, तो साइन 90 डिग्री माइनस है कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस है साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस है कॉट ए, तब बताइए कॉट 90 डिग्री माइनस ए बी सी बाई ए बी, इसका उल्टा हो जाएगा बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी टेन है, sec, अब देखिए टेन का उल्टा cot, cot का उल्टा टेन, sin का उल्टा cos, cos का उल्टा sin, उसी तरह sin 90 डिग्री माइनस ए इसका उल्टा हो जाएगा ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी cosec,
कोसेक 90 डिग्री माइनस ए साइन का उल्टा ए बी ए सी बाय ए बी ए सी बाय ए बी सेक है। इसको ध्यान पर कैसे रखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग सवाल बनाएंगे। एक्सरसाइज 8.3 एक सवाल है, ये बिल्यूटी बिल्यू मैंने मान निकाली, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72, ये दोनों को प्लस कीजिए, 72 में 18 को प्लस करने पर उसका ये 90 होता है। तो यहां साइन है, यहां कॉस है, दोनों में से किसी का एक का मान हम लोग बदल देंगे। कैसे वो ध्यान से देखिए, साइन 18 डिग्री यहां हम लिखेंगे कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 में कितना घटाएंगे कि 72 हो जाएगा, तो कॉस यहां 90 में हम लोग अगर 18 घटाते हैं तो 72 हो जाएगा, क्या लिखेंगे 18 डिग्री। तो ये हो गया साइन 18 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, यहां ध्यान से देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, तो यहां ए का मान क्या है, यहां ए का मान 18 है, 18 से 18 को भाग दिया गया 1, आप लोग के लिए होमवर्क, अब आप लोग के लिए होमवर्क, आप लोग जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसको एक कॉपी में, वीडियो से कॉपी में उतार लीजिएगा, उसको घर पर एक दो बार लिखिएगा, उसको मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में फोटो खींच के भेजिएगा, और ये तीन सवाल को आप लोग बना के देखिएगा। नियम वही है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो कॉस को साइन में बदल देंगे, कॉट को टेन में बदल देंगे, और कोसेक को सेक में बदल देंगे। ठीक है, घर पर बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, कुछ ही बच्चा कॉपी दिखाते हैं, सब तो दिखाते नहीं है, और एक बार जाओ जान लेते रखिए कि स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाला है, नहीं स्कूल खुलने में समय लगेगा, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम तो हो गए, आप लोग इतने बच्चे भी नहीं है कि नहीं समझे, बात को समझिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, घर पर रहिएगा, अच्छे से पढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद।